या लाइव या अशरफ आप पीला बनाओ भाई, जब भाई
गुड इवनिंग। शंकर जय किशन संगीत के सभी दीवानों को मैं जावेद खान सिंगापुर से अपनी टीम के साथ दिल से हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल करते हुए आप सभी का आज इस महफिल खास में जो कि हमने ओल्ड इज गोल्ड शंकर जय किशन से सजाई है, इसमें मैं दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं। शंकर जय किशन फाउंडेशन अहमदाबाद की ओर से ओल्ड इज गोल्ड एच जे के संगीत में स्वरबद्ध किए गानों की महफिल को म्यूजिक मैस्ट्रो शंकर जय किशन जी को याद करते हुए हम पेश करेंगे, जिसका दूसरा शो मैं आप सबसे फेसबुक के जरिए रूबरू होकर पेश करते हुए आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। शंकर जय किशन फाउंडेशन अहमदाबाद ने आप सबसे रूबरू होने का जो मौका दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से श्री चिराग पटेल जी, श्री स्नेहल पटेल जी, श्री पद्मनाभ जोशी जी, श्री संजय कटारिया जी, श्री सौरिन जर्मरवाला जी और श्री उदय जोगलेकर जी और पुना टीम से जुड़े हुए श्री राजन बेड़के जी, श्रीधर कुलकर्णी जी, मानिक बजाज जी, शरद अदाव जी, किशोर गुंदेजा जी, मोहन भंडारी जी, संदीप आपटे जी, अनिल गोड़े जी, इकबाल दरबार जी और कैलाश मुंद्रा जी का स्वागत करता हूं और राजन जी का दिल से आभार मानता हूं और टीम एचजीएमएफ अहमदाबाद पुणे मुंबई और सभी एचजीएमएफ के फैन फ्रेंड्स और फॉलोअर्स को मैं आदर पूर्वक नमन करके आज की संगीतमय शाम का आगाज करता हूं। लेकिन शो का आगाज करने से पहले मैं एक शेर आपकी नज़र करना चाहूँगा, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता, वैसे तो लोग मिल जाते हैं हर मोड़ पर, वैसे तो लोग मिल जाते हैं हर मोड़ पर, मगर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। आइए शो का आगाज करते हैं हम उस महान गायक का गीत पेश करने जा रहे हैं जिस गायक को हमसे गुजरे आज पूरे 40 साल हो गए हैं। 1980 31 जुलाई वह हमसे जुदा हो गए थे और आज ये जुलाई का महीना ही चल रहा है, तो हम रफ़ी साहब को श्रद्धांजलि देते हुए मैं उस कलाकार को बुलाना चाहूँगा जिस कलाकार को सिंगापुर में वॉइस ऑफ रफ़ी के नाम से जानते हैं। और ये जो गीत हम पेश कर रहे हैं वो एक प्रार्थना समझ लीजिए, और ये जो गीत है मैं डेडिकेट करना चाहूँगा स्नेहल पटेल जी को। फिल्म है बसंत बहार, 1956 की फिल्म थी और इसके गीतकार थे शैलेंद्र जी और संगीतकार वन ऑफ द मोस्ट शंकर जय किशन जी, और मैं दावा देने जा रहा हूँ द वन एंड ओनली मिस्टर हामिद रजाक। चलते
बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, कब लोगे खबर मोरेरा, कब लोगे खबर मोरेरा, बड़ी देर भई, बड़ी देर भई। Ladies and gentlemen, my next song from the movie Kanyadan, song entitled Meri Zindagi Mein Aate. Stay tuned and enjoy Shankar Jaikishan music. तो कुछ और
तो कुछ और बात होती, मेरी जिंदगी में आते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। ये थे हमीद रजाक साहब। वैसे इनकी आवाज में बहुत ही मिठास है, और रही बात यह कि इनकी जो उम्र है वो है 70 इयर्स, 70 साल के हैं, फिर भी इतनी अच्छी तरह से इस गीत को निभाया उन्होंने। आइए इसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत गीत हम आपके लिए पेश करने जा रहे हैं। फिल्म है कल आज और कल, 1971 की ये फिल्म है। इसके गीतकार हैं हसरत जयपुरी जी, और ये जो महफिल चल रही है वो है द वन एंड ओनली शंकर जयकिशन जी की। इस गीत को लेकर आपके सामने आ रहे हैं हरफन मौला, बहुत ही अच्छा कीबोर्ड प्ले करते हैं और गाते भी बहुत अच्छा है, द वन एंड ओनली मिस्टर कमल शाह। जिंदगानी महदूहित
करने जा रहा हूं। वैसे मैं जिस गायक का गीत पेश करने जा रहा हूं, मेरे जिंदगी की शुरुआत मैंने इन्हीं के गाए गीत से की थी। ये मैंने पहले शो में भी कहा था। वैसे गीत तो बहुत प्यारा है और ये जो गीत जो कमल शाह ने गाया था, ये डेडिकेट किया गया था श्री मानिक बजाज जी को। और आइए इसके बाद जो गीत मैं पेश करने जा रहा हूं, बहुत ही खूबसूरत सा गीत है जो मैं पेश करने जा रहा हूं आपके सामने। और इस गीत गाया तो है मुकेश जी ने और ये गीत मैं डेडिकेट करने जा रहा हूं पद्मनाभ जी जोशी साहब को। और फिल्म तो मैं जब गीत शुरू करूंगा तो आप समझ ही जाएंगे कौन सा गीत है। और गीतकार है इनके शैलेंद्र जी। वैसे ये बहुत ही प्यारा मेरे दिल के करीब का गीत है और एक बहुत ही चीज को इसमें मैंने तो फिल्म तो देखी नहीं लेकिन गीत सुनने से पहले मैंने देखा था कि हीरोइन जो है हीरो को कहती है कि कहीं भी कोई भी अपना नहीं जमाने में, कहीं भी कोई भी अपना नहीं जमाने में, ना आशियाने के बाहर ना आशियाने में। चिटिया हो तो हर कोई बाँचे, चिटिया हो हर कोई बाँचे, जनवा
खूबसूरत गीत पेश करने जा रहा हूं मैं आपके सामने। ये भी है स्वर्गीय मुकेश जी का गीत है, फिल्म का नाम है दीवाना, 1967 में फिल्म आई थी, गीतकार है हसर जयपुरी जी। और ये गीत मैं डेडिकेट करना चाहूंगा हमारे बहुत ही पसंदीदा, इनके कमेंट्स बहुत ही प्यारे होते हैं, द वन एंड ओनली उदय जोगलेकर जी को। लोग कहे मैं समझूं जग
उम्मीद करता हूँ कि उदय जी को ये गीत पसंद आया होगा। आइए एक और एक गीत मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। फिल्म का नाम है ससुराल, 1961 की फिल्म है। हसरत जयपुरी जी का लिखा हुआ ये गीत है, स्वर्गीय मुकेश जी का गाया ये नगमा। मैं डेडिकेट करना चाहूँगा उदय जोगलेकर जी और अनिल गोड़ी जी को। जाना तुम्हारे प्यार में शैतान बन गया हूँ, क्या क्या बनना चाहा था बेईमान बन गया हूँ। जाना जाना तुम्हारे प्यार में शैतान बन गया हूँ, क्या क्या बनना चाहा था बेईमान बन गया हूँ। जाना जाना तुम्हारे प्यार में हम दीवाने उदय जी के लिए गीत और अनिल गोड़ी जी के लिए। आइए इसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत गीत, बहुत ही खूबसूरत संगीत लेकर आपके सामने आ रहे बहुत ही मीठी आवाज के मालिक जनाब हमीद रजा साहब। और ये गीत हम डेडिकेट करना जा रहे हैं श्री चिराग पटेल जी को। झुक गया आसमान फिल्म का नाम है, 1968 की मूवी है और गीतकार है शैलेंद्र जी हमीद रजाक। Thank you.
सच्चा है कर कहाँ चढ़िए टिकट तो
खिलाना जान के हमदम मेरे दिल को ललाड़ो तुम, खिलाना जान के हमदम मेरे दिल को ललाड़ो तुम, मेरा ही हूँ मोहब्बत का अकेला अपना छोड़ो तुम, मेरा ही हूँ मोहब्बत का अकेला अपना छोड़ो तुम। कह चलिए इधर आओ मेरे दिल को न ठुकराओ, बोल जितम करो मन भी जाओ मन भी जाओ मन भी जाओ। कह चलिए इधर आओ मेरे दिल को न ठुकराओ, बोल जितम करो मन भी जाओ मन भी जाओ मन भी जाओ। तो ये थे हमीद रजा साहब। ये गीत था झूक गया आसमान से, और शंकर जी की खास बात थी कि इससे पहले भी जो गीत पेश किया गया था वो भी था झूक गया आसमान से, और ये भी गीत जो था झूक गया आसमान से, ये खूबी थी शंकर जी किशन जी की। सिर्फ इसमें एक चीज़ बदल गई थी और वो बदला था गीतकार। ये इस गीत को लिखा था हसन जयपुरी साहब ने, और ये गीत हमने डेडिकेट किया था किशोर गुंदेजा जी सर को। आइए इसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत सा एक गीत मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। फिल्म का नाम है छोटी बहन और गीत है जाऊं कहां बताए दिल। बहुत ही खूबसूरत सा गीत। इस गीत को लिखा है हसन जयपुरी जी ने, और ये गीत मैं डेडिकेट करना चाहूँगा हमारे सबके हरदिल अजीज मोहन कुमार भंडारी जी को। जाऊं कहां बताए दिल, दुनिया बड़ी है संदिल, चांदनी आई घर जलाने, सूझे न कोई मंजिल। जाऊं कहां बताए दिल, दुनिया बड़ी है संदिल, चांदनी आई घर जलाने, तुझे न कोई मंजिल। जाऊं कहां बताए दिल,
उम्मीद करता हूँ कि गीत मोहन जी को भी पसंद आया होगा। आइए इसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत मुकेश जी का गाया हुआ मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। फिल्म का नाम है दीवाना, 1967 की मूवी है, शैलेंद्र जी का संगीत है और गीत भी बहुत ही खूबसूरत सा है। पेश करने जा रहा हूँ तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय जय, ना तुम हारे ना हम हारे, इसी तरह से हम कोरोना वायरस से भी नहीं हारेंगे, उसको हरा कर छोड़ देंगे। इसकी नारे न तुम हारे
सभी को पता तो चल गया होगा कि ये गीत हमने किस इंसान के लिए डेडिकेट किया था, वन ओनली राजन जी बिड़के जी। और आइए इसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत गीत आपके सामने पेश करने की हम कोशिश कर रहे हैं। और ये गीत बहुत ही खूबसूरत सा गीत है, ऐसे ये कमल शाह आपके सामने पेश करेंगे। फिल्म है एक नारी एक ब्रह्मचारी, 1971 की फिल्म है, किशोरदा का गाया गीत है, हसरत जयपुरी जी ने लिखा है। और ये गीत हम डेडिकेट करने जा रहे हैं संदीप आपटे जी को। से मिलूंगा आगे
ये प्यार तो मिलन है। वाह कमाल जी, तुसी ग्रेट हो सर जी, यू आर वेरी गुड। थैंक यू सर। बेचारे हिंदी नहीं आती है लेकिन फिर भी हिंदी गा लेते हैं दोनों भी, फादर एंड सन। कांट स्पीक हिंदी, कांट अंडरस्टैंड लिटिल बिट ओनली, राइट। आइए इसके बाद बहुत ही खूबसूरत से तीन गीत लेकर आ रहे हैं हमीद रजा साहब। एक गीत है मुझे अपना यार बना लो, वैसे ये गीत को डेडिकेट करने जा रहे हैं सोरेन जर्मर वाला जी और वीके गजर जी के लिए। वैसे इस गीत की एक खास बात ये भी है हमीद रजा साहब के लिए कि ये गीत अपनी वाइफ को भी डेडिकेट करना चाहेंगे, क्योंकि ये इनके वाइफ का भी बहुत ही फेवरेट गीत है। और इसके बाद तुम्हारे प्यार में हम बेकरार होके चले, ये गीत भी सोरेन जर्मर वाला जी और उमेश मकीजा के लिए है और आचार्य आजरा, बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग है, राइट। और ये शरद अदाव जी के लिए है, इस गीत को पेश करेंगे। पहली मूवी है बॉयफ्रेंड 1961 हसरत जयपुरी, दूसरी मूवी है शिकार 1968 हसरत जयपुरी और आचार्य आजरा 1966 की फिल्म लव इन टोक्यो, फिर से एक बार वही हसरत जयपुरी जी। तो पेश है द वन एंड ओनली मिस्टर हामिद रजा। Thank you.
तुम्हारे प्यार में हम बेकरार हो के चले, शिकार कर लो आए शिकार हो के चले, तुम्हारे प्यार में हम बेकरार हो के चले, शिकार कर लो आए शिकार हो।
आजारे आजारा लहरा के आजारा, इस उम्र में भी कितना रोमांच भरा है हमीर रजा जी के अंदर। आइए इसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत मैं पेश करने जा रहा हूँ। वैसे एक बात बता दूँ मैं कि ये आजारे आजारा जो गीत डेडिकेट किया था शरद यादव जी को, इसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत सा मुकेश जी का गाया गीत मैं आपके लिए पेश करने जा रहा हूँ। फिल्म है कन्हैया 1959 की मूवी, गीतकार शैलेंद्र जी है। गीतकार है शैलेंद्र जी और ये गीत मैं डेडिकेट करने जा रहा हूं पद्मनाभ जी जोशी साहब को। और गीत के बोल हैं, याद आई आधी रात को कल रात की तौबा। बहुत ही खूबसूरत सा गीत है। तो कमल जी ओके बात की तौबा।
और आइए इसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत आपके लिए पेश करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। ये गीत हमने चुना है फिल्म मेरा नाम जोकर से। कहता है जोकर सारा जमाना, और इस गीत को मैं डेडिकेट करना चाहूंगा चिराग भाई को। 1970 की मूवी और इसके गीतकार थे नीरज जी।
ये था कहता है जोगर सारा जमाना। आइए इसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत गीत कमल शाह पेश करने जा रहे हैं। वैसे अभी तक इनकी शादी तो नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि मुझे मेरी बीवी से बचा लो। यू आर टू मैरी ना वेन या मेबी नेक्स्ट ईयर आफ्टर कोरोना, राइट? आफ्टर कोरोना यू वांट टू मैरी इंडिया ला। यू लाइक शंकर जी किशन म्यूजिक, इंडियन म्यूजिक, यू शुड लाइक इंडियन। ओके, बट यू मस्ट फॉलो मी। या इंशाल्लाह। आइए एक बहुत ही खूबसूरत गीत है, मुझे मेरी बीवी से बचाओ। इस गीत को डेडिकेट करने जा रहे हम कैलाश मुंद्रा जी को। फिल्म आज की ताजा खबर 1973 की मूवी है और गीतकार है हसरत जयपुरी जी और म्यूजिक द वन एंड ओनली शंकर जय किशन जी। बहुत जल्द मिला देंगे कमल जी आपको आपकी बीवी से, ढूंढते हैं आपके लिए ना। वी विल फाइंड फॉर यू। ओके, नाउ अंडरस्टैंड, बीवी मींस योर बीवी ओनली अंडरस्टैंड। ओके ओके ओके। खैर आइए इसके बाद एक दो गीत लेकर आ रहे हैं आपके सामने हामिद रजा साहब। फिल्म है एन इवनिंग इन पेरिस 1967 की मूवी, हसरत जयपुरी जी का लिखा हुआ गीत, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो। इस गीत को डेडिकेट करने जा रहे हैं हम श्रीधर कुलकर्णी जी को। और इसके बाद जो दूसरा गीत है फिल्म कहीं और चल से 1968 की मूवी, शैलेंद्र जी का लिखा हुआ गीत ओ लक्ष्मी ओ सरसों, दोनों गीत हामिद रजा आपके लिए पेश करेंगे।
लक्ष्मी और सरसू और शीला, बहुत ही प्यारा सा गीत पेश किया हमीर रजा साहब ने। आइए इसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। ये गीत हमने चुना है फिल्म कन्हैया से, 1959 की मूवी, शैलेंद्र जी, शंकर जयकिशन जी, और ये गीत को हम डेडिकेट करना चाहेंगे स्नेहल भाई को। रुक जाओ जाने वाली रुक जा, रुक जा, रुक जाओ जाने वाली रुक जा, मैं तो रही तेरी मंजिल का, नजरों में तेरी मैं पूरा सही, आदमी पूरा नहीं मैं दिल का, आदमी पूरा नहीं मैं दिल का। प्यारा सा एक झरोका आप लोगों के सामने पेश करने जा रहे हैं। ये झरोका हमने डेडिकेट किया है एजीएमएफ के सारे मेंबर्स, चिराग पटेल जी, स्नेहल पटेल जी, राजन बेड़के जी, मानिक बजाज जी, हर एक मेंबर को हम ये डेडिकेट करना चाहेंगे। उसके साथ साथ हम डेडिकेट करना चाहेंगे ये हमारे जितने फॉलोअर्स हैं, जितने शंकर जय किशन फाउंडेशन के म्यूजिक लवर्स हैं। हम ये सारा एक झरोका जो एक
बहुत ही प्यारा सा हमने इसको बनाया है। वैसे इसके अंदर कुछ कुछ गीत बहुत ही, ये कहूँगा मैं कि खतरनाक है। शंकर जी किशन ने बहुत ही एक, क्या पता है शंकर जी किशन जी के बारे में, हर टाइप के गीत दिए उन्होंने, हर मूड के गीत दिए हैं। तो एक उनके सारे गीतों का हम एक छोटा सा झरोका आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। वैसे मैं चिराग पटेल जी, श्री स्नेहल पटेल जी, श्री पद्मनाभ जी जोशी जी, श्री संजय कटारिया जी, श्री सौरीन जर्मरवाला जी, सौरीन जर्मरवाला जी ने भी बहुत हेल्प किए हमारी जावेद खान टीम को, स्क्रिप्ट बनाना, हमें भेजना, हमें कोऑर्डिनेट करना कि भाई क्या सही है क्या गलत है। थैंक्स अ लॉट सौरीन जर्मरवाला जी। और श्री उदय जोगलेकर जी, अभी उनके कमेंट्स देखेंगे तो और भी पता चलेगा कि उनको ये आज का ये सेकंड शो हमारा कितना पसंद आया। और पुना टीम से हमारे जुड़े हुए श्री राजन बेड़के जी, श्रीधर कुलकर्णी जी, मानिक बजाज जी, शरद अदाव जी, किशोर गुंदेजा जी, मोहन भंडारी जी, संदीप आपटे जी, अनिल गोड़े जी, इकबाल दरबार जी और कैलाश मुंद्रा जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और AGMF के फैंस, फ्रेंड्स और फॉलोअर्स को भी मैं आदर पूर्वक उनको नमन करता हूँ। और बहुत ही प्यारा सा एक झरोका हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। वैसे कीबोर्ड पर तो आप तो इनसे वाकिफ है ही, कमल शाह गाते भी है, कीबोर्ड भी बजाते हैं, बिल्कुल आज थोड़ा सा छुपे हैं मोहम्मद अशरफ जी। और ये है हमारे गंगा, आ रहे आपके सामने हमीद रजा साहब, फादर सन एंड सन, और ये हमारे गंगा जी। तो पेश करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा झरोका। हमने अलग अलग टाइप के गीत इसमें से हमने चुने हैं, उम्मीद है ये झरोका आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। थैंक यू।
मन से